हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। लॉकडाउन में टीचिंग के अपने ही चैलेंजेस हैं। नया सेशन शुरू हो गया है और हमको सबको ऑनलाइन टीचिंग करनी है। हमारे अपने ही ऑलरेडी चैलेंजेस हैं टीचिंग के कि हम इतने लिमिटेड टाइम में अपना कोर्स कैसे फिनिश कर पाए, उनको कैसे सारा कुछ स्टूडेंट्स को सारा असाइनमेंट सारा सब कुछ इस वन मंथ में कैसे स्क्वीजिंग करके उनका चैप्टर्स फिनिश कर पाए। अब हमारे को एक और चीज़ भी कंसिडर करनी है कि ये सब चीज़ें उनके पास अभी बुक्स भी नहीं हैं और उनके पास सभी रिसोर्सेज भी नहीं हैं, पर हमें ये बच्चों को ये चीज़ सब हम उनको कैसे पढ़ा पाए। एंड ऑल दिस वी हैव टू टीच देम थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। सो अब स्कूल अलग अलग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, कोई जूम यूज़ कर रहा है, कोई गूगल क्लासरूम यूज़ कर रहे हैं, कोई व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, कोई वीडियोस बना रहे हैं। सो वट एवर मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, तो हम हमारा विश बुक्स पे हमारा ये एक हमारा एक एफर्ट है कि हम उन मेथड्स को कुछ आपको कुछ हेल्प कर पाए जिससे कि ये आपको प्रोसेस स्मूथ हो पाए। सो देर आर सर्टन डूज एंड डोंट्स विच वी हम आपको बताना चाहते हैं। अगर आप उसको अप्लाई करें तो आपको आपके वीडियोस या आपके जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो वो इजी हो पाए। सो वन ऑफ द थिंग इज दैट प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट डू है कि आप उसके लिए प्रिपेयर करें। जैसे आप अपने क्लासरूम में क्लास लेने से पहले भी प्रिपेयर करते थे कि आप लेसन प्लान क्या है, क्या असाइनमेंट देना चाह रहे हैं, क्या टेस्ट है, क्या क्या होमवर्क है, वो सब तो आपको करना ही है। इसके साथ आपकी कैमरा एंगल कौन सा होना चाहिए, कौन सी बैकग्राउंड है, कहाँ लाइटिंग है, एक जोन बना लें अपने घर में, एक छोटा सा एरिया, बिकॉज ऑफ द वही मोस्ट ऑफ द टाइम वही आवर होगा स्कूल का जो आप जिस टाइम पे आप बच्चों से कनेक्ट करेंगे, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि नॉइज लेवल कितना है। तो वो सब चीज़ों को आपको पहले प्रिपरेशन आपको करके रखनी है। दूसरी प्रिपरेशन ये भी है कि आपको टेक्नोलॉजी से भी थोड़ा बहुत वेल वर्स होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बहुत समझदार हैं, दे नो द टेक्नोलॉजी बेटर देन यू एट टाइम्स। सो आपको उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए पहले से। तो अपने पहले अच्छे से खुद ट्राई कर लीजिए। सो दे विल ट्राई टू समटाइम मैनिपुलेट कि आपकी वॉइस नहीं आ रही है, कैमरा नहीं आ रही है। समटाइम इट विल बी जेन्युइन, समटाइम इट विल दे विल बी हैविंग फन, एंड दैट्स ऑल्सो फाइन, बिकॉज लाइक इन अ क्लासरूम ऑल्सो कभी 30 जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से 5-10 बच्चे होते हैं जो थोड़ी बहुत नॉटीनेस करते हैं। सो दैट इज सम काइंड ऑफ सैनिटी इस इनसेन एनवायरमेंट में। बच्चों को ये मज़ा एक दूसरे से इंटरेक्शन में मज़ा लेने के लिए हेल्प करता है। सो वो भी अगर हो रहा है क्लास में तो वो भी होते रहने दीजिए, बट आपको अपना उस चीज़ पे इतना फोकस नहीं करना है। अगर इफ दैट्स हैपनिंग, आपको जो बच्चे कनेक्ट कर रहे हैं उन बच्चों के साथ कनेक्शन बनाते रहना है और अपनी बात को उन तक पहुंचाते रहना है। एक जो भी आप असाइनमेंट दें तो इट शुड बी लिटिल कोलैबोरेटिव एफर्ट होने चाहिए। इट शुड सो दैट दे कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मे बी व्हाट्सएप्स और आफ्टर फोन सेशंस और समथिंग और through emails or something, it may be in the guidance of their elders. So because this is the only way they have some kind of contact with their peers, in the sense like unka physical contact abhi bilkul zero ho chuka hai, so it takes a toll on their mental health also. So if and they have this kind of assignments, so this will help them in giving some kind of solace, and उनको कहीं एक तरह का एक उसमें कुछ फाइटिंग होगी, कुछ कहीं कहीं कुछ कहीं पर उनको enjoyment होगी। So this will and in future also जब उनको उन्हें realize होगा कि इस तरह से even physical presence नहीं होने से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे projects हम लोग complete कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज उनको एडवांस में भी भेजने चाहिए आपको, सो दैट दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द क्लासरूम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी कभी जैसे कनेक्शन किसी किसी बच्चों के साथ ब्रेक भी हो रहा है आपका, सो दे हैव समथिंग इन मीनवाइल। जैसे अगर कभी लाइट जा रही है किसी के उसमें, तो दे हैव समथिंग टू डू इन बिटवीन। सो दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच इफ यू कैन डू, सो दे विल मेंटेन योर साइकिल ऑफ द क्लास।
don'ts is that don't give them less of homework. Don't think that they don't have means, so they will not be able to do their homework. Let them do, जो भी वो कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, उनको try करिए, थोड़ा सा push करने दीजिए. They will come up with some solution and वो अपना homework अपना कर लेंगे. But at the same time, don't expect that the homework to be very कि बहुत ही परफेक्शन हो, बहुत अच्छा हो, बिकॉज आपके पास उनके पास सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं. उनके पास सारे किसी के पास प्रिंटर नहीं होगा, किसी के पास कुछ कलर्स नहीं होंगे, किसी के पास कुछ भी नहीं होगा. तो दिस ऑल्सो गिव्स देम चांस टू शो देयर क्रिएटिविटी, देयर यू नो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, एंड समहाउ दे विल मैनेज समथिंग आउट एंड दे विल शो इट टू यू दैट दे आर डूइंग दिस, एंड दिस विल एक तरह का नया तरह का उनका एक आउटलुक आपको देखने को मिलेगा, आपको भी उनका, उनको आपका. सो ओवरऑल एक हम सबको एक नया चांस मिला है कि हम एक डिजिटल वे में एक नई तरह की लर्निंग एंड एक इम्पार्ट कर सके, और एक लर्निंग हम भी एक लर्निंग ले सकें. सो दिस विल ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर अस एंड फॉर द होल ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. हम सबके लिए एक ये पूरा एक वर्ल्ड ओवर एक मीडियम खुल गया है, एंड होपफुली वी कैन ऑल हैव अ डिफरेंट एंड मोर वाइब्रेंट काइंड ऑफ अ लर्निंग.